पूरे देश में इस बात को लेकर रोष है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, कहीं ना कहीं वातावरण माहौल शायद उनके लायक नहीं था। कहीं ना कहीं उन्हें लगातार ठेस पहुंच रही थी, लेकिन इस ठेस का जिम्मेदार कौन है? कौन है लगातार जो उनका दिल दुखा रहा था? किस वजह से उन्हें यह बड़ा कदम उठाना पड़ा? नाम सामने आ रहे हैं, कोई सलमान खान का नाम ले रहा है, कोई करण जौहर का नाम ले रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो इन दोनों से भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं केआरके की। केआरके ने बहुत से ऐसे वाहियात पोस्ट किए हैं जिन्हें देखकर आपको भी बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा। फिलहाल जनता गुस्से में है और केआरके का बायकॉट करने जा रही है। आप इन पोस्ट को देखिए। एक पोस्ट में केआरके लिखते हैं, करियर ऑफ टीवी एक्टर सुशांत सिंह, ड्राइव सुपर फ्लॉप, केदारनाथ डिजास्टर, सोन चिड़िया विल बी फ्लॉप, छिछोरे विल बी सुपर फ्लॉप एंड ही विल बी गो बैक टू टीवी सीरियल्स अगेन। अगले पोस्ट को देखिए, अगले पोस्ट में क्या लिखा है। इट इज कंफर्म दैट सुशांत सिंह अंकिता ब्रेकअप न्यूज इज पब्लिसिटी स्टंट टू प्रमोट हिज अपकमिंग फिल्म धोनी, बट इट विल गारंटेड फ्लॉप। इस अगले पोस्ट में एक पोल है, वेयर डू यू वांट टू सी फ्लॉप एक्टर लाइक अर्जुन कपूर एंड सुशांत सिंह। देखिए किस तरह से एक बात की है इन्होंने, इन फिल्म, इन टीवी सीरियल, इन द वेब सीरीज, नोवेयर। 56% लोगों ने नोवेयर लाइक किया, जो जाहिर है कि फेक अकाउंट्स होंगे। सबसे घटिया इंसान अगर कोई बॉलीवुड में हो सकता है जो क्रिटिक कहता है अपने आप को, तो वो केआरके है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हमें खिंचाई करते हुए नजर आते हैं बेमतलब में, और उन कलाकारों की जो उभरना चाहते हैं, ये वाकई में बहुत गलत है। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है केआरके का, जिसमें कमाल आर खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए केदारनाथ के लिए दिए गए थे सुशांत सिंह को, लेकिन 8 लाख रुपए भी नहीं दिए जाने चाहिए थे, वो उस लायक भी नहीं है। इस तरह की वाहियात बातें कर आखिर यह इंसान क्या प्रूफ करना चाहता था? और अब ये बता रहा है कि सलमान खान ने उसे बॉयकॉट किया था, लेकिन सलमान खान से बहुत ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा किसी ने क्रिटिसाइज किया है सुशांत सिंह को, तो वो है केआरके। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।